नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीचर्स वे पे। दोस्तों इस वीडियो पे आप तभी आए हो जब आप बीएड प्रवेश परीक्षा देने की सोच रहे हो। इस साल तो बीएड प्रवेश परीक्षा हो चुकी है, अब जिन लोगों को एडमिशन लेना है वो नेक्स्ट ईयर 2025 में बिहार से बीएड एंट्रेंस एग्जाम का प्रवेश परीक्षा को पास करके जो भी कॉलेज है उसमें एडमिशन ले पाएंगे। उससे पहले हम चाहेंगे अगर जो आप 2025 में देने वाले हो, देने की सोच रहे हो, तो सबसे पहला काम चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन क्लिक कर देना, क्योंकि तैयारी से लेके हर एक जानकारी क्या चीज़ें कैसे करनी है, बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 को लेकर सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिलने वाली है। हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। यूट्यूब पर लगातार क्लासेस चल रही है, उसको भी आप देख सकते हैं। सबसे पहले बात, कुछ लोग ये भ्रम फैला रहे हैं कि भाई 2025 में बीएड एंट्रेंस एग्जाम होगा ही नहीं दो साल वाला, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। 2024 में भी हुआ था, 2025 में भी होगा, 26 में भी आएगा। तो ये चीज़ें मन से निकाल दीजिए। और एक बात और, तैयारी आपको अभी से स्टार्ट करनी पड़ेगी। अगर जो आपके मन में कहीं से भी ऐसा है, ये शंका है कि फॉर्म आएगा फिर तैयारी आप स्टार्ट करोगे, तो आप गलत सोच रहे हो। तो मेहनत आपको रगड़ के करनी पड़ेगी, अभी से करनी पड़ेगी। बिहार में सरकारी कॉलेज लेना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज की फीस 2 लाख के आसपास चली जाती है, इसीलिए मेहनत बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए आइए हम इस वीडियो में बात करें, स्किप मत करना, शुरू से अंत तक देखना क्या क्या चीजें यहाँ पे जरूरी है बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए। सबसे पहले आपका एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म आएगा। फॉर्म के बारे में अगर जो हम बात करें, फॉर्म कब आएगा, इस बार याद रखना, फॉर्म जो आने वाला है इस बार आपका दिसंबर एंड में फॉर्म आने वाला है, दिसंबर एंड या जनवरी प्रथम सप्ताह में फॉर्म आने वाला है। अगर जो देखा जाए तो अभी भी समय बहुत कम है, जिस हिसाब से सिलेबस है, जिस हिसाब से कंपटीशन बढ़ रहा है, क्योंकि आप सिलेबस खत्म करने में 2.5 से 3 महीने मैं लगा देता हूं, क्योंकि हम थ्योरी भी पढ़ाते हैं, एमसीक्यू भी पढ़ाते हैं, डिटेल से पढ़ाते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर भी कंप्लीट करवाते हैं। 2.5 से 3 महीने में सिलेबस कंप्लीट कर पाओगे, उसके बाद रिवीजन, प्रैक्टिस क्लास, ये सारी में कम से कम 4 महीने मान लो लग जाएंगे अच्छे से तैयारी करने में। ठीक है, तो दिसंबर एंड में या जनवरी के प्रथम सप्ताह में इस बार फॉर्म आने की संभावना है। अब सिलेबस क्या इस बार चेंज होगा, कोई चेंज नहीं रखा गया, सिलेबस वही रहने वाला है जो सिलेबस आपका लास्ट ईयर था, जो उसके पहले था। सिलेबस के बारे में भी बात करेंगे, योग्यता के बारे में बात कर लेते हैं बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए। तो योग्यता आपका होता है ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, यानी कि आपने बीए किया है, ग्रेजुएशन में बीए किया है, फॉर्म भर सकते हैं, बीएससी किया है, फॉर्म भर सकते हैं, बीकॉम किया है, फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, इसमें अगर जो आपका 50% नंबर होना चाहिए, 50% नंबर कंपलसरी है। इसके अलावा अगर जो आपने बी या बीटेक किया है तो भी आप फॉर्म भर सकते हो, इसमें 55% योग्यता चाहिए। ठीक है, इसमें आप याद रखिएगा, जो एससी एसटी है उनके लिए 45% होता है, याद रखिएगा फॉर्म भरने के लिए। कट ऑफ के बारे में हम बात करेंगे, बुक्स के बारे में बात करें, सर बुक्स कौन सा ले हम पढ़ने के लिए, मैंने कहा आपको बुक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। टीचर्स में लगातार 3 साल से बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी करवा रहा है, और इस बार भी आपका करवाना स्टार्ट कर चुका है। और हमारा जो एकलव्य बैच है, जो प्रथम बैच का नाम हम एकलव्य ही रखते हैं, एकलव्य बैच स्टार्ट हो चुका है, क्लासेस टीचिंग एप्टीट्यूड की, रीजनिंग की क्लास और हिंदी की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। तो आप सबसे चाहेंगे किताब का आप 400-500 खर्चा करोगे, कोई मतलब नहीं है, कोई वैल्यू नहीं, किताब से प्रश्न फंसता ही नहीं है। आप सिंपल सा एप्लीकेशन, टीचर्स वे आप सभी के फोन में होना चाहिए, तो टीचर्स वे एप्लीकेशन आप सभी लोग डाउनलोड करके एकलव्य बैच है उसमें जुड़ जाइए। जितने में किताब आती है ना, उतना ही मैंने बैच का प्राइज रखा है, 1000 भी नहीं रखा, 700 भी नहीं रखा, 800 भी नहीं रखा, 600 भी नहीं रखा, 500 भी नहीं रखा, 499 में आप पूरा बैच परचेज कर सकते हो। हम कट ऑफ के बारे में अभी थोड़ा सा बात करेंगे, उससे पहले बैच कैसे ज्वाइन करना मैं बता देता हूं आपको। ठीक है, आप देखोगे यहाँ पे ये एप्लीकेशन है, इसको आप इंस्टॉल कर लेना, सभी के फोन में होना चाहिए जो बच्चे बिहार बीएड की तैयारी करने जा रहे हैं ये एप्लीकेशन, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएगा,
कट ऑफ मिल जाएगा, इसके अलावा आपको सिलेबस मिल जाएगा देखने को डिटेल से, और प्रीवियस ईयर पेपर सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये आपको रजिस्टर कर लेना पड़ेगा, दूसरा ऑप्शन। रजिस्टर करने के बाद आप यहाँ पे आओगे पेड कोर्स पे, और पेड कोर्स पे आपको दिखेगा बिहार बीएड का 2025 का एकलव्य बैच, ऐसे 2025 का बिहार बीएड 2025 का एकलव्य बैच दिखेगा। उस एकलव्य बैच को बाय नाउ कर लीजिएगा, उसके बाद आपको यहाँ पे टेलीग्राम का ऑप्शन मिलेगा, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। सारी क्लासेज आपकी लाइव चलेंगी, लाइव प्लस रिकॉर्डेड हो जाएगा, जैसे लाइव खत्म होगा रिकॉर्ड होकर अपलोड हो जाएगा, मिल सकते। तो अच्छी तैयारी चाहिए, रिजल्ट चाहिए, क्योंकि रिजल्ट देने में नंबर वन संस्थान है। बहुत सारे लोग तैयारी करवाते हैं लेकिन जब रिजल्ट की बात आती है, टीचिंग एप्टीट्यूड के नंबर एक क्लास की बात आती है, तो टीचर्स वे टॉप पर रहता है, ठीक है। चलिए ये काम आप जरूर कर लीजिएगा। आइए और क्या चीजों की, ये रिजल्ट कुछ बच्चों का आया था, मैं उसको दिखा रहा हूँ, तो इसको इसके बारे में बाद में बात करेंगे कभी, ठीक है। हाँ, सिलेबस के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, क्या सिलेबस रहने वाला है। हाँ ठीक है, ये टीचर्स वे संस्थान जाना जाता है बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए, ठीक है। चलो 2023 में तो धमाल मचा दिए थे, इतना रिजल्ट आया था, इतना रिजल्ट आया था। खैर आइए बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट सिलेबस क्या रहने वाला है। 15 क्वेश्चन इंग्लिश कंप्रेंशन के वाले हैं, जो कंपलसरी है, सभी को देना है। इस 15 नंबर में 5 नंबर 10 नंबर पैसेज, कभी कभी 10 नंबर पैसेज आता है, कभी कभी 5 नंबर का पैसेज, सिनोनिम सिंटोनिम समवर्ड सब्स्टिट्यूशन इडियम फ्रेज, ये मिला के कुल 10 नंबर आता है। बाकी ग्रामर वाला पोर्शन 5 नंबर का रहता है, ठीक है। ग्रामर आपको नहीं आता तो भी इतना पढ़ा दिया जाता है, 10-11 नंबर आप कहीं नहीं जाएगा इंग्लिश का। हिंदी में मैं ही पढ़ाता हूँ, ये अंग्रेजी सोहन सर आपको पढ़ाएंगे बैच में। हिंदी में 15 में 15 करके आओगे आराम से, हिंदी के 15 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। रीजनिंग सबसे इंपॉर्टेंट, रीजनिंग भी बहुत बेहतरीन क्लास चलती है, रीजनिंग का टारगेट लेके चलते हैं आराम से, 25 में 22 करके आते हो, 25 क्वेश्चन आपको रीजनिंग के देखने को मिलेंगे। इसके अलावा टीचिंग लर्निंग एनवायरमेंट, टीचिंग एप्टीट्यूड भी जिसको बोलते हैं, शिक्षण अभिक्षमता, लोग 5-6 चैप्टर में खत्म कर देते हैं, लेकिन हम यहाँ पे टीचर्स में 15 से 16 चैप्टर पढ़ाता है थ्योरी पर, हर चैप्टर का एमसीक्यू, थ्योरी प्लस एमसीक्यू, इसी प्रकार से क्लासेस स्टार्ट हो चुके। 25 नंबर ये आते हैं, और इसके अलावा 40 नंबर आपके जीके जीएस वाले सेक्शन से आते हैं, जिसमें आपके साइंस और इसके अलावा करंट अफेयर्स, बिहार जीके, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सब कुछ ऐड होता है, मिक्स होता है, ठीक है। एक अच्छी बात जो आपके लिए ये होती है, इस परीक्षा में नो निगेटिव मार्किंग होता है, कोई भी निगेटिव मार्किंग का प्रावधान इस एग्जाम में नहीं रहता, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट थोड़ा सा हो जाता है, ठीक है, प्लस पॉइंट थोड़ा सा हो जाता है। तो सिलेबस को लेके कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हो हमसे, ठीक है। बाकी मैं फिर से बताता हूँ आप सभी लोगों से कि बैच को जितना जल्दी हो सके आप लोग ज्वाइन करके अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो बचा है, हम कट ऑफ के बारे में थोड़ा सा आपके दिमाग में चल रहा होगा, क्या कट ऑफ जाता है। देखो सिंपल सी बात है, बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी पास तो सब कर लेते हैं जो हमसे पढ़ते हैं, लेकिन सिंपल सी बात है, सरकारी सीट के लिए आप पढ़ाई करते हो ना, सरकारी सीट के लिए पढ़ाई करते हो ना, और सरकारी सीट के लिए 90 का हर साल मैं बोलता हूं कि 90 प्लस लेकर आओ, हमेशा 100% सरकारी कॉलेज फिक्स रहेगा। हाँ, बैच को ज्वाइन को लेकर कोई समस्या हो तो आप 7906236059 इस पर आप व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो, याद रखना। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कर लेना। कट ऑफ के बारे में मैं जिस हिसाब से तैयारी करवाता हूँ वो मैं बता रहा हूँ। हमारा टारगेट जो होता है वो रीजनिंग होता है, और रीजनिंग में हम 25 में 22 का टारगेट लेके चलते हैं, इस हिसाब से पढ़ाते हैं। इसके अलावा दूसरा टारगेट टीचिंग एप्टीट्यूड होता है, 25 में 21 से 22 का टारगेट लेके चलते हैं, इतना बच्चे आराम से कर लेते हैं। तीसरा टारगेट हिंदी होता है, 15 क्वेश्चन आते हैं, हालांकि 15 में 15 कर सकते हो लेकिन हम 14 का टारगेट लेके चलते हैं। चौथा हमारा इंग्लिश सेक्शन होता है, जिसमें 11 और 10 का टारगेट लेके चलते हैं, 10 या 11 करके आओगे आप, ठीक है। मैंने बहुत ज्यादा नहीं जोड़ा, अगर जो आप यहां पे 21 ही जोड़ लो तो कितना नंबर हो जाता है, 4, 5, 6, 7, 8 ये हो गया, और 2, 2, 4, 5, 6, 68 नंबर यहीं से हो जाता है। प्लस 40 नंबर जो जीके जीएस का आता है ना, इसमें आपके लगभग 15 क्वेश्चन साइंस के आते हैं। साइंस जितना पढ़ा दिया जाता है बैच में, लास्ट ईयर भी पढ़ाया गया था, उसमें से आराम से 10 क्वेश्चन कर लोगे। 2 क्वेश्चन बिहार जी के बहुत सिंपल सिंपल आता है, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला, ठीक है, बिल्कुल उसमें नहीं होने वाला। इसके अलावा जो जीके आता है उसमें स्टैटिक जीके बहुत सिंपल सिंपल भी आपके 7-8 क्वेश्चन रहते हैं, और मिला के मान लो आप 10-12 क्वेश्चन और कर लेते हो इसमें से, तो 10, 20, 22, 24 नंबर आपके यहीं से हो गए, या मैं 22 ही जोड़ लेता हूं तो भी आप 90 आराम से एक क्रैक कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम निकालना।
हाँ, लेकिन क्यों नहीं निकाल पाते? क्योंकि टीचर आपको बैच इधर उधर ले लेते हो, उनकी कोई रणनीति नहीं होती कैसे तैयारी कराना है, कोई स्ट्रेटजी नहीं होता, आपको वैसे ही पढ़ाते रहते, चले जाते, खत्म करवा के जल्दी से भाग जाते हैं। तो ध्यान से रहना, जहां पे ज्वाइन करना, जहां पे भी पढ़ना, चीजों को पहले क्लियर कर लेना, ठीक है? बिल्कुल, आप सभी लोगों से फिर से कह रहा हूँ, एकलव्य बैच हमारा स्टार्ट हो गया है, एकलव्य बैच एप्लीकेशन पे चल रहा है टीचर्स वे पे, बिहार बीएड का एकलव्य बैच जितना जल्दी हो सके ज्वाइन करिए। बाकी कोई समस्या है तो हमारे नंबर पे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।